गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल एस जी व्लॉग्स। और अभी हम उठे हैं, बस टाइम हो चुका है 11, क्योंकि आज है संडे और संडे को लेट उठती हूँ मैं। और आज गुड्डू लड्डू तो रात को वहीं था, और सुबह गुड्डू भी अपनी नानी के घर चली गई आज। और मैंने थोड़ी सी अलमारी वगैरह साफ करनी है, और आज संडे है, संडे को आपको पता है सारे काम होते हैं। और मशीन लगा रखी है पीछे, बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हुए पड़े हैं, सारे कपड़े धोऊंगी, इसलिए थोड़ी घर की क्लीनिंग करूंगी। और बाकी व्लॉग में एंड तक बने रहिए। इतने कपड़े पड़े हैं मेरे, और यहाँ पे मैंने मशीन लगा रखी है, कपड़े धुल रहे हैं मेरे। क्या लेके आए हो? गर्मी थी, अच्छा लगा मुझे। बहुत गर्मी कितनी है यार? गर्मी तो बहुत ही पड़ी है। बर्फ डलवाई है बीच में। पहले नहीं खाया करते थे, वही वाला ना, रेडी वाला। बर्फ के साथ गाइस आप भी खा लो। छोड़ो मुझे, कंधा नहीं छोड़ो। ये ले पकड़, गिरना जाए। गाइस मैं कर रही हूँ सारे कपड़े अपने समेट रही हूँ। मुंह पे क्यों मार रहे हैं? तेरे कपड़े हैं, अभी कैसे कपड़े हैं? सर्दी के कपड़े अलग कर रही हूँ, गर्मी के कपड़े अलग कर रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, कौन दे रहा है मेरे को कपड़े? ये सारे कपड़े थोड़े हैं, देख उड़ा क्यों रहे हो? तो इसमें से डालने वाले तो बहुत कम है ना, सर्दी के हैं बीच में। ये सारे कपड़े मेरे अभी अभी एक खाना और भरा पड़ा है मेरा, तो ये सारे कपड़े समेट रही हूँ मैं। अरे इसमें से डालने वाले बहुत कम है। उधर ये देखो, हम सर्दियों के कपड़े अलग कर रहे हैं मेरे, गर्मियों के अलग वहीं पे। आज इनको काम लगा रखा है मैंने, आज छुट्टी वाले दिन, संडे के दिन काम पे। गर्मी हो गया वहीं घेर दो, इतने में मेरी अलमारी साफ हो जाएगी सारी। हाँ हाँ वही है ये सर, ये गर्मियों वाले उधर घेर दो, सर्दियों वाले यहाँ घेर दो। और इसके बाद आपका खाना करेंगे, कपड़े प्रेस प्रूस करके फिर लगाएंगे, उधर ही कर दो ठीक है। मेरे इतना गुदड़ मचा पड़ा है, हाँ वही घेर दो। गाइस मेरी अलमारी भी इतना गुदड़ है कि शर्ट तो मिल गई है, उसके ट्राउजर नहीं मिल रहे। वही ये ड्रेस है, जंप सूट है ये, तो वही गिर दो। उसके ट्राउजर नहीं मिल रहे, ये भी वही गिर दो, ये भी जंप सूट है। कपड़े ये सर्दियों का है, ये गुदड़ बना के क्यों गिर रहे हो? तय लगा के गिर रहे हैं, मैंने गुदड़ ना बनाओ। हाँ तो कोई बात नहीं, रात हो जाएगी। तो आज आप सबको व्लॉग सिर्फ अलमारियों का देखने का ही मिलेगा, क्योंकि संडे को हम सफाई करने में लगे हुए हैं। बाहर भी मेरे कपड़े सूख रहे हैं सारे, उधर गर्मियों की है ये। तो देखो कपड़े सेट करते करते मुझे बरसाने की चुन्नी मिली, ये जब मैं बरसाने गई थी तब मुझे वहां से मिली थी। चुन्नी को देख के बरसाने जाने का इतना मन कर रहा है राधा रानी का, कि दोबारा एक चुन्नी और मिले और फिर जाऊं। मैंने बहुत संभाल के रख रखी है, और ऐसे ही मैं वृंदावन निधिवन गई, वहां से भी मुझे सूट मिला, वो भी मैंने संभाल के रख रखा है, सिलाया नहीं मैंने, ऐसे ही संभाल के रख रखा है उसे भी। मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, ऊपर वाले अलमारी साफ करूंगी ना, वहां पे पड़ा आपको वो सूट भी दिखाऊंगी, बहुत अच्छा है। गाइज अलमारी मैंने साफ कर ली है, देखो कितनी चमक रही है, और इनकी अलमारी अभी रह गई है साफ करनी। जैसे कि आज संडे है, तो मैं इनके साथ जा रही हूँ पहले गौशाला, पट्ठे वगैरह डालने गायों को, और फिर लेके आऊंगी सब्जी वगैरह, क्योंकि सब्जी नहीं पड़ी। उसके बाद गोरी और लड्डू को घर पे लेके आऊंगी, उससे पहले पहले मैं मेरे सारे काम निबेड़ लूं, क्योंकि संडे को बच्चे वहां गए हुए हैं, इसलिए मेरे को है कि मेरे से जितने आज काम निबड़ सकते हैं मैं फटाफट अपने काम कर लूं सारे। तो फिर आपको आके मिलती हूँ। ये देखो गाइस ये बस जा रही है, और कितनी जगह आप सबको घुमा के आएगी, ये 15 से 20 दिन तक इसकी यात्रा होगी। चल जल्दी घर चले। मार्केट क्या करने गई थी नानी के साथ? मोमोज लेने और गोलगप्पे खा के आई है। अच्छा जी, गोलगप्पे नहीं खाते, मोमोज लेने के। अच्छा गाइस, गोरी आ चुकी है घर पे, और ये हमारे लड्डू जी भी घर पे आ चुके हैं। देखो इन्होंने कितना चंदन लगा रखा है, गर्मी करके मम्मा ने सारा चंदन लगा दिया है इनके, कि इनको गर्मी ना लगे। इनकी ड्रेस भी हैवी थी इस करके।
गाइस मैंने खाने में बनाई है आज मूंग मसर की दाल, जो कि रात को खाने में बहुत हल्की होती है, और इनको अंदर अब खाना डाल के दे रही हूँ। तेरे को क्या दूँ, पानी? हाँ। दे रही हूँ। गाइस आज का व्लॉग मैं मेरा यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि आज सारा दिन आपको पता है ये काम किया, अलमारी साफ करी, और गुड्डू और लड्डू वहाँ थे, फिर इनको लेके आई, आज तो सारा दिन ही ऐसे काम में टप गया। लोग कहते हैं संडे को रेस्ट डे होता है, बट मेरा संडे को ना रेस्ट डे नहीं होता, काम डे होता है, कि संडे को काम ही काम करो, क्योंकि गुड्डू और लड्डू वहाँ होते हैं तो फिर ये होता है ना कि हाँ बच्चे वहाँ गए हुए हैं तो फटाफट जितना हो सकता है आप उतना काम खींच लो। और बाकी इससे अगले वाला व्लॉग बिल्कुल भी मिस मत करना, इससे अगले वाले व्लॉग के अंदर आप लोगों के लिए एक बड़ा ही आप मतलब ऐसा प्रैंक करूंगी मैं इनके साथ कि आप लोगों का हंस हंस के पेट ना दर्द हो जाए तो कहना। तो इससे नेक्स्ट व्लॉग बिल्कुल भी मिस मत करना, कुछ अलग है, कुछ हटके है और कुछ स्पेशल है। मतलब आप व्लॉग अगर देखोगे तो आपको हंसी तो आएगी आएगी, पर मुझे इतना पता है कि आप व्लॉग को बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे, आप एंड तक देखोगे उस व्लॉग को। तो बहुत ही अच्छा व्लॉग होने वाला है अगला, और मैं इनके ऊपर प्रैंक करने वाली हूँ नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तो एक प्रैंक व्लॉग होने वाला है। तो चैनल के साथ ऐसे ही बने रहें और हमारी सारी वीडियोस को ऐसे ही प्यार देते रहें। तब तक के लिए बाय। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर कमेंट करो, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कीजिए। लाइक नहीं करना, लाइक तो करना ही करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन का बटन दबा दो ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक यूं ही पहुंचती रहे। गोरी तोतली बोलती है इसलिए शायद आपको समझ ना आए, इसलिए मैं क्लियर कर रही हूँ, पहुंचती रहे। हाँ, बाकी कुछ कहना चाहती है यूट्यूब फैमिली को? हाँ, मुझे कल की पिक्चर बहुत अच्छी लगी। कितनी बार बता चुकी है, अभी तक देखो ठीक है, वो तो कितनी बार बता दिया। बाकी ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट व्लॉग डोंट मिस इट, चैनल के साथ यू ही बने रहे, बाय बाय, गुड नाइट यू फैमिली, बाय। Feel